बिल्कुल बरनावा से पढ़े और वेद चारों वेद का जो यजुर् उसका जो हवन यज्ञ करते हैं यज्ञाचार्य बहुत अच्छे, मतलब क्या इनके बारे में बोला जाए तो वो भी कम होगा। तो दो शब्दों में अपना बहुत धन्यवाद। इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस कली काल में जहाँ चारों ओर ना जाने क्या क्या हम कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में ये श्रीमद् भागवत कथा का आनंद इस समय पर हम ले रहे हैं, वो भी गौशाला के प्रांगण में। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा अभी चर्चा हो रही थी दान की, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। धन की तीन गति होती है। व्यासपीठ पर पूज्य महाराज श्री विराजमान है, उन्होंने आपको बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। ध्यान रखना, सबसे उत्तम गति होती है दान, और जो व्यक्ति धन का दान नहीं कर सकता वो अपने ऊपर उस धन को भोग कर लो, और जो व्यक्ति भोग भी नहीं करता ऐसे व्यक्ति के धन का क्या होता है जी, नाश हो जाता है। तो ये शुभ अवसर मिला है, आप एक बात ध्यान रखना, आप अपने, आपने देखा होगा वृद्धाश्रम खुलते हैं, जब वृद्धाश्रम में किसी भी वृद्ध को आप ले जाते हो तो वहां पर प्रति मंथ 5 से 10 हजार 15 हजार 20 हजार रुपए पर मंथ के देते हो। और यहाँ पर ये गाय किसकी है, ये हमारे, इनको अगर मैं कहूँ ये भी एक वृद्धाश्रम है गौशाला के रूप में, यदि हम गाय देते हैं तो 1000 2000 3000 5000 रुपए पर मंथ हमें देना चाहिए, नहीं तो गाय का दूध पी लिया और छोड़ दिया तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे, बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। ध्यान रखना गौशाला, ये महाराज जी यहाँ पर बैठे, मैं बहुत देर से, मैं कई दिन से आ रहा हूँ और पीछे बैठ करके प्रतिदिन कथा का आनंद लेता हूँ। स्वामी जी कहते हैं मंच पर आकर के बैठो, मैंने कहा नहीं स्वामी जी, मुझे तो कथा में बड़ा आनंद आ रहा है, सोशल मीडिया पर लाखों लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, परंतु आप एक विचार करिए, इन संत को क्या चाहिए, इस कथा से जो धन आएगा उसको अपने घर लेकर के जाएंगे आप? ये जो लाखों रुपए जो खर्च हो गए, मुझे लगता है कि ये भी नहीं निकलेंगे। तो गौशाला के उद्धार के लिए मैंने नवीन जी से कहा था कि ये कथा आपने यहाँ जंगल में क्यों की, आप इस कथा को कहीं शहर में करते तो प्रधान जी यहाँ पर बैठे देवेंद्र प्रधान जी, इन्होंने कहा कि 500-700 आदमी तो हमारे साथ आ जाते, बहुत सारे लोग चलते हुए कथा में आ जाते। मेरा उद्देश्य तो केवल इस गौशाला का उद्धार करना, इस गौशाला को दूसरों को दिखाना है। तो ऐसे संकल्प के साथ ये कथा हो रही है इस जंगल में। एक छोटी सी बात, मैं अपने कैब से एयरपोर्ट से सीधा इधर आ रहा था तो मेरा ड्राइवर बार बार पूछ रहा था कि कहाँ ले जाओगे, जब इन कीकरों के जंगल में घुसा बोले आप मुझे मरवा तो नहीं दोगे, मैं बोला तुझे मैं कोई आतंकवादी लगता हूँ, मेरा नाम गूगल पे डाल करके देख, सोहित योगी तुझे पता चल जाएगा तू किसके साथ बैठा है। भाई अभी थोड़ा आगे चल, तुझे दिखाई देगा कि कितनी भव्य गौशाला है, कितना भव्य प्रांगण है। जब यहाँ पर आया उसको सांस में सांस आई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि जंगल का एरिया है, परंतु ये जंगल में मंगल और मंगलदास जी ने किया है, तो आप इनका सहयोग जितना हो सकता है उतना करिए, सभी बढ़ चढ़ करके दान दीजिए, क्योंकि धन, पूरी जिंदगी धन 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 करते रहना और अंत में निधन हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।